हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुचैम्प लाइव क्लासेस। हम पॉलिटिका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पार्लियामेंट अपन ने स्टार्ट कर रखा है, उसकी सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है। अपन ने अब तक दो पार्ट इसमें कवर कर लिए हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों अपने कवर हो चुके हैं। उससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या आगे भी जो भी पूछे जाएंगे वो सारे के सारे अब तक कवर कर लिए हैं मैंने। अब अपना जो थर्ड पार्ट है वो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन दो से चार मार्क्स का, एक से दो क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसके सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं कवर करूंगा। आज मैं इसका आधा पार्ट कवर करूंगा क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है ये, और आधा पार्ट मैं कल कवर करूंगा। तो देख लेते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 52 से 62 के बीच किया गया है, यानी 11 आर्टिकल्स में जो प्रेसिडेंट की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग अनुच्छेद में क्या है राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है। अब अनुच्छेद का आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कौन सा अनुच्छेद याद करना है, कब याद करना है, उसकी कोई ट्रिक होगी वो सब मैं आपको बता दूंगा। केवल क्योंकि अनुच्छेद से, सारे अनुच्छेद से क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, जो अनुच्छेद अगर किसी क्वेश्चन से लिंक्ड है या इंपॉर्टेंट है केवल वही एग्जाम में पूछा जाता है। वो कैसे लिंक होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और ऑन द स्पॉट यहीं आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। तो ये अपना है 52 पे 62 के बीच में। पहला पॉइंट अपना क्या है कि कंट्री है इंडिया का एक ही प्रेसिडेंट होगा, ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है, अनुच्छेद 52 में। क्या है मैंने पॉइंट क्या बोला कि इंडिया का एक ही प्रेसिडेंट होगा, यह लिखा गया है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, 52 में यह चीज लिखी हुई है अपनी, क्लियर हो गई अपनी यहां तक बात। अब सेकंड पॉइंट अपना है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या पॉइंट बोला मैंने, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मतलब मैन जो जिसके कंट्रोल में होते हैं कार्यपालिका का सारा वर्क, वो किसके कंट्रोल में होता है, राष्ट्रपति के कंट्रोल में। अब ये कार्यपालिका क्या है वो भी समझ लेते हैं। कार्यपालिका जो है वो ऐसे लोगों का समूह है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री और जो अपना पूरा मंत्रिपरिषद है वो पूरा का पूरा आता है, यानी पूरे के पूरे जो सदस्य हैं उनको कंबाइंडली अपन क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है, अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अपने मंत्रिपरिषद और फोर्थ है अपना प्रधानमंत्री। इस पूरे के पूरे ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका अपने संसद में कोई भी नया कानून बनता है, कोई भी नया कानून पास होता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, कार्यपालिका। यानी उसको स्टेट्स में एग्जीक्यूट कौन करता है, कार्यपालिका का काम होता है। इसका मुख्य काम, इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो एग्जाम्स में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो क्या है, कार्यपालिका के काम से रिलेटेड। तो वो क्या है, इसका मेन काम क्या है कि ये जो भी नया कानून बनता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। क्लियर हो गया आपने यहां तक। तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसके बाद प्रेसिडेंट की योग्यताएं देख लेते हैं अपन की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए।
योग्यता में सबसे पहले जो सब में कॉमन है अब तक कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कि नेशनल जो कैंडिडेट है उसकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, मिनिमम आयु उसकी, मिनिमम जो एज है वो 35 इयर्स होनी चाहिए। अब इसमें भी देखिए सीक्वेंस है, अपन ने सबसे पहले लोकसभा में देखा था, लोकसभा में आयु मिनिमम कितनी थी 25 वर्ष, उसके बाद में राज्यसभा या राज्यसभा में कितनी थी 30 वर्ष, और अब प्रेसिडेंट के लिए कितनी है 35। तो ऐसे सीक्वेंस से हर चीज अपन याद करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं सारे के सारे सीक्वेंस वाइज अपन क्लियर करेंगे, जिससे क्या होगा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और ऑन द स्पॉट सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो मिनिमम एज कितनी होगी 35, तो सीक्वेंस वाइज अपन याद करेंगे 25 अपना लोकसभा था, 30 राज्यसभा और 35 क्या अपना प्रेसिडेंट। क्लियर हो गई अपनी यहां तक बात। थर्ड देख लेते हैं, इसमें एक और एडिशनल पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंट है उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने की, यानी उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो योग्यता में तीन चीजें अपन ने कवर की कि भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखनी चाहिए। ठीक है, तीन अपना योग्यता क्लियर हो गई, यहां पे योग्यता का पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब नेक्स्ट चीज आती है कि राष्ट्रपति को कौन चुनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस है आगे भी, तो इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सारे वो पॉइंट क्लियर करूंगा और बताऊंगा भी। तो राष्ट्रपति को सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को चुनेगा ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। तो राष्ट्रपति को कौन चुनेगा ये लिखा गया है अपने अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को कौन चुनेगा। अब चुनता कौन कौन है, अपने लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और सारे स्टेट्स के जो एमएलए हैं विधायक हैं, वो कौन कौन से अपने 29 राज्य हैं और दो जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली और पौंडीचेरी के ही जो एमएलए हैं जो विधायक हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य प्लस जो एमएलए हैं अपने विधायक हैं स्टेट्स के, किसके 29 स्टेट्स और दो यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से, एक है दिल्ली और दूसरा है पौंडीचेरी। ये दो ही क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो क्या हुआ, राष्ट्रपति को कौन चुनेगा ये अनुच्छेद 54 में लिखा गया है। अब इसके चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, वो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और जो एमएलए हैं अपने स्टेट्स के, 29 स्टेट्स और दो यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी, दिल्ली और पौंडीचेरी, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर हो गई अपनी यहां तक बात। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होती है। राष्ट्रपति को एक बहुत ही स्पेशल पद्धति के द्वारा चुना जाता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वोटिंग सिस्टम। क्या होता है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। ये क्या होती है, नाम बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल स्टेप में है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये समझा दूंगा। क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है, पद्धति अपन देख रहे हैं,
पद्धति है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मतलब एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के द्वारा अपन क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब ये प्रोसेस क्या होती है वो देख लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या है कि प्रायोरिटी के आधार पे अपन राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जितने भी नाम नॉमिनेट करते हैं अपन इस राष्ट्रपति के लिए, उनको प्रायोरिटी के आधार पर एक तो सारे के सारे कैंडिडेट्स को वोट देना होता है। ये कंपलसरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि सारे के सारे जो अपने सदस्य हैं उनको वोट देना जरूरी होता है। वो वोट देंगे तो प्रायोरिटी के आधार पर देंगे, किसको कितनी प्रायोरिटी मिली है। लास्ट में उनके काउंटिंग होती है और काउंटिंग में प्रायोरिटी में जो सबसे ऊपर होता है उसको अपन क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुन लेते हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एग्जांपल लिया मैंने कि मीरा कुमारी रामनाथ कोविंद और अपने प्रणब मुखर्जी, इनको नॉमिनेट किया गया तीनों को। अब सारे जो कैंडिडेट्स हैं सबने मिला के इनको जो वोट दिया उनमें प्रायोरिटी में मान लो कि रामनाथ कोविंद फर्स्ट पे आए, मीरा कुमारी सेकंड पे और प्रणब मुखर्जी थर्ड पे। जो काउंटिंग हुई उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी में अपना फर्स्ट पे कौन है, रामनाथ कोविंद। तो अपन प्रायोरिटी पे क्या करेंगे, रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट चूज कर लेंगे। तो ये होती है प्रायोरिटी वाली पद्धति, कौन सी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। हो गया अपनी यहां तक क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है जो अपना सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जो अपना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिनको अपन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सीजेआई। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सीजेआई कौन है। तो अब मुख्य न्यायाधीश की बात आई है तो करंट की बात कर लेते हैं। करंट में अपने मुख्य न्यायाधीश हैं दीपक मिश्रा। करंट में कौन है, दीपक मिश्रा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी एक या डेढ़ वीक के बाद ये क्या है, रिटायर होने वाले हैं। इनकी आयु 65 इयर्स कंप्लीट होने वाली है। वो डेट क्या है, 2 अक्टूबर 2018 को ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और अपने ये तो करंट है, और अपने जो नेक्स्ट होंगे वो होंगे रंजन गोगोई। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जो करंट एग्जाम चल रही है उसमें ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि करंट कौन है उनकी, या तो ये पूछ सकते हैं कि करंट कौन है, ये पूछ सकते हैं कि वो कब अपना पद है उससे इस्तीफा देंगे। तो वो 2 अक्टूबर हो गया। और ये भी पूछ सकते हैं कि अपना नेक्स्ट है वो कौन होने वाला है, ये रंजन गोगोई है। यहां तो यहां से आप चीजें क्या लिंक करके याद कर सकते हो। जब आप चीजों को लिंक करके याद करते हो वो तुरंत उसी टाइम करंट भी याद हो जाता है, पॉलिटी भी अपने को याद हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर हो गई अपनी यहां पे शपथ वाली की। शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्लियर हो गया अपना यहां तक। अब राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा अपन हटा सकते हैं। मैंने लिखा राष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा हटा सकते हैं। अब ये महाभियोग क्या है वो भी समझ लेते हैं।
महाभियोग की प्रक्रिया संसद से स्टार्ट होती है। संसद में अपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन होते हैं, तो यह प्रक्रिया दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। लोकसभा के सदस्य भी कर सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल के लिए क्या ले रहा हूं कि लोकसभा के सदस्य इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो महाभियोग में क्या है, संसद अपना ये हो गया, संसद, संसद में दो पार्ट हो गए, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दो पार्ट हो गए अपने संसद के। अब लोकसभा के सदस्यों इसमें कोई भी, दोनों में से कोई भी अपना जो सदन है वो स्टार्ट कर सकता है। अपन ने माना कि लोकसभा ने ये स्टार्ट किया है, ठीक है, लोकसभा ने स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको स्टार्ट करने के लिए इसके जो मेंबर हैं उनके एक चौथाई मेंबर्स को क्या होता है, लिखित में ये नोटिस देना पड़ता है किसको, प्रधान, अपने राष्ट्रपति को, सॉरी राष्ट्रपति को देना पड़ता है। तो 1/4 मेंबर्स जो होंगे उनको लिखित में पहले नोटिस देना पड़ेगा किसको, राष्ट्रपति को, महाभियोग की प्रक्रिया के लिए। तो एक बटा चार लोगों ने क्या किया, सदस्यों ने मिलके सिग्नेचर किए उस पत्र पे और वो किसको सौंप दिया, अपने राष्ट्रपति को। इसके बाद में 14 दिन का गैप होता है। इस 14 दिन के गैप में क्या होता है कि इस पे वापस विचार किया जाता है, इसको रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कि भाई ये क्यों लिया गया है, क्या इसमें ड्रॉबैक्स हैं और ये मुद्दा क्यों उठाया गया है, वो चीज ली जाती है। इसके बाद में वापस लोकसभा में ये वोटिंग होती है। वापस वोटिंग में क्या होगा, वापस वोटिंग में वापस सारे के सारे मेंबर्स हैं इसको वापस देखेंगे और वापस रिव्यू करेंगे उस चीज को। रिव्यू करने के बाद क्या होगा, अगर 2/3 जो मेंबर्स हैं अपने, 2/3 लोगों ने उसको वापस पास कर दिया यानी उसको अप्रूवल दे दिया, तो प्रस्ताव क्या जाता है, नेक्स्ट यानी राज्यसभा में जाता है। अगर यहां ये इंपॉर्टेंट है, अगर 2/3 लोगों ने इसको अप्रूव नहीं किया तो ये यहीं खारिज हो जाएगा, और अगर ये वापस प्रक्रिया स्टार्ट करनी है तो शुरू से वापस 1/4 लोगों को वापस नोटिस देना पड़ेगा और वापस इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। लेकिन यहां अगर अप्रूवल मिल गया 14 दिन के बाद तो ये राज्यसभा वापस इसको रिव्यू करती है और यहां से भी 2/3 लोगों को अप्रूवल देना जरूरी होता है। अगर राज्यसभा में भी 2/3 लोगों को अप्रूवल मिल जाता है तो तुरंत राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर यहां पे भी यहां से अप्रूवल मिल गया अपने को लेकिन यहां पे नहीं मिला, यहां पे अगर नहीं मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा, ये प्रस्ताव जो है वो खारिज हो जाएगा। क्या होगा, तीनों के तीनों स्टेप क्या है, अप्रूव होनी चाहिए। अगर तीनों की तीनों स्टेप अप्रूव होंगी तभी राष्ट्रपति क्या करेगा, पद से इस्तीफा देगा। क्लियर हुआ आपने यहां पे दोनों के दोनों चीजें। तो यहां पे क्या, संसद के ये दोनों में से कोई भी सदन स्टार्ट कर सकता है। राज्यसभा करेगा तो राज्यसभा में भी 1/4 मेंबर स्टार्ट करेंगे, अप्रूव होगा, फिर 14 डेज का रिव्यू होगा, रिव्यू के बाद वापस 2/3 लोगों को इसको अप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद में लोकसभा के मेंबर इसको वापस रिव्यू करेंगे और इसको 2/3 लोगों द्वारा वापस अप्रूव करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस जो लोकसभा फॉलो करती है वही राज्यसभा को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया आपने यहां तक। तो प्रेसिडेंट में काफी पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं, इससे और भी आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे के सारे आपने पॉइंट्स जो हैं कवर किए हैं, सारे के सारे जो आपने पार्ट हैं वो अब तक पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे तो आप नीचे लिंक में मिल जाएंगे आपको, या फिर आपको चैनल के वीडियोज पे मिल जाएंगे, तो आप वो जरूर देखिए, क्योंकि आप सिक्वेंस से वो चीज़ें याद करोगे तभी आपको सारी चीज़ें याद होंगी। और एक बार सारी चीज़ें याद कर ली, सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप रिव्यू कीजिए, वापस देखिए इनको, वीडियोज आपको वापस देखने पड़े तो भी आप देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।